हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सूखी सब्जी। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है और बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कद्दू ले लिए हैं, अच्छे से धो के साफ कर लिया है और इसे हम काट लेंगे। इस तरीके से हम साइड में हटा लेंगे, दोनों साइड में, और लंबे लंबे पीसों में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से पीस रख सकते हैं। ये सारे कद्दू हमने काट लिए हैं, तो अब हमें सब्जी बना लेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी गैस ऑन करके, और मैं ले रही हूँ यहाँ सरसों का तेल, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप सरसों का तेल ले रहे हैं तो अच्छे से गर्म होने देना है, जब तक कि धुआं ना उठ जाए, ताकि इसका कच्चापन ना रहे। ये हमारा तेल गर्म हो गया है, तो इसमें हम अब 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ ही 2 खड़ी लाल मिर्च, अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा मिर्ची भुन गई है, तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये इस तरीके से हमारी प्याज भून ली है, तो अब हम इसमें कद्दू ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए, जल्दी से पक जाएगी। और 1/4 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि जल्दी से पक जाए हमारी सब्जी। पाँच मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं हमारी सब्जी कैसी हुई है। ये इस तरीके अच्छे से पक गई है सब्जी। तो इसमें हम बाकी मसाले यूज करेंगे, और मसाले मैंने बेसिक यूज किए हैं, धनिया पाउडर और स्वादानुसार लाल मिर्च डाल देंगे। आप अपने हिसाब से लाल मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब वापस हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसाला हमारे सब्जी के अंदर तक चला जाए। ये 1 मिनट हो गई है और सब्जी हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। पर अगर हम इसे ऐसे हाई फ्लेम पे
चलाते हुए पका देंगे ताकि इसमें जो पानी है वो सूख जाए। आप चाहो तो अभी ऐसे ही रख सकते हैं, पर पानी सूख जाएगा, ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये सब्जी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है और गैस बंद कर दिए मैंने, और प्लेट में निकाल लेंगे।